सो हे गाइज, माय नेम इज सुनील एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एसएनसी मोटो ब्लॉग। सो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। सो भाई, अभी टाइम हो रहा है 6:51 हो रहा है और मैं हो चुका हूँ जोमेटो के अंदर लॉगिन। मैं अपने जोन के अंदर ही हूँ। अभी मैं सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि हमेशा अपने को वहीं से ऑर्डर मिलता है। तो भाई अभी मैं सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी भाई आगे चल रही है चेकिंग, पुलिस वाले भाई साहब भी खड़े हैं एंड यहाँ पर बढ़िया से चल रही है चेकिंग, तो हमें रोक ना ले भाई साहब। नमस्ते सर जी। भाई साहब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ऑलरेडी गाड़ी रुकी हुई है। सर जी निकलने का रास्ता करिए। तो बढ़िया से हो रही है भाई यहाँ पे चेकिंग और गाड़ियाँ भाई रास्ता नहीं दे रही हैं। कब पता नहीं, मेरे को नहीं पता या तो पीछे ले लीजिए या आगे निकाल दीजिए साहब। अरे यार बिठा दोगे क्या कर रहे हो साहब, थोड़ा फ्री करवाओ ना इनको। ठोक दिया। तो भाई ने एकदम से मतलब निकालने की कोशिश किया कार वाला आगे लेके, आगे सामने कार खड़ी थी तो एकदम से ब्रेक लगाया भाई ने साइकिल, तो रोक दिया सामने वाली कार को। मैं तो भाई ब्रेक लगा लिया क्योंकि मेरे को पता था रुकने वाली है, सामने गाड़ियाँ खड़ी है तो ये निकल नहीं पाएगी। तो चलो भाई यहाँ पे चेकिंग चल रही थी, कारें वगैरह रुकवा रहे थे। तो भाई हमारा पहला ऑर्डर तो भाई रास्ते में मिल ही गया था मेरे को, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। उस समय मैं किसी से बात कर रहा था और अभी ऑर्डर रेडी होने में थोड़ा टाइम बता रहा है। हालांकि ऑर्डर तो इन्होंने रेडी कर दिया पर थोड़ा मतलब अंदर से आ रहा है ऑर्डर, पूरा रेडी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जैसे ही रेडी होता है यहाँ से पिकअप करते हैं एंड फिर चलते हैं भाई ड्रॉप के लिए। छिहत्तर बीस रेडी बता रहा है। हाँ यही है, ठीक है जी। सो ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है और मेरे को अभी कर लेगा ऑफलाइन इस ऑर्डर के बाद। अगर कस्टमर ऑनलाइन पे कर लेंगे तो ठीक है भाई, मैं ऑफलाइन नहीं होऊंगा, नहीं तो मेरे को नहीं तो भाई मेरे को पैसे ऐड करने पड़ेंगे ऑफलाइन कर देंगे तो। टू थर्टी वन, वेलकम। कितना टाइम लगेगा? हुआ क्या रेडी भाई? बहुत ज़्यादा लेट कर रहा भाई, 5 मिनट देर बता रहा है मतलब रेस्टोरेंट पे, ठीक है ना। रेस्टोरेंट से चेक करें कि ऑर्डर तैयार है या नहीं। भाई मैंने तो चेक कर लिया, 5 मिनट ऑलरेडी लेट बता रहे हैं और अभी भी तैयार कर रहे हैं ये लोग। तो देखते हैं भाई कब तक रेडी होता है। तो भाई 11 मिनट से वेट कर रहा हूँ और अभी तक ऑर्डर इन्होंने रेडी नहीं किया। बस एक ही है नेटेला, कुछ न्यूटेला शेक है, ठीक है ना। न्यूटेला शेक एक गिलास है ओनली और एक गिलास में भाई भाई लोग कितना लेट कर रहे हैं भाई। ओ भाई कितना क्या टाइम लग जाएगा यार, एक गिलास तो है, है? क्यों इतना लेट कर रहे हो यार, 2 पैसों की मजदूरी है। दो रुपए की मजदूरी है यार, गरीब आदमी को ले दो। ठीक भाई हो गया रेडी, रेडी करो। तो भाई अब फाइनली मेरा ऑर्डर रेडी हो गया। कम से कम भाई 11 से 12 मिनट मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ा एंड उसके बाद ये रेडी हुआ भाई। एक गिलास था और एक गिलास में 12 मिनट लग रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर है, लगभग 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका ड्रॉप का, ठीक है ना। तो चलो इसको डिलीवर करते हैं, ड्रॉप लोकेशन पर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो, हाँ इतेश जी लोकेशन पे खड़ा हूँ, जोमेटो से ऑर्डर है। कहाँ पे? गुरु कृपा लिखा हुआ होगा, एक मिनट में देखता हूँ। ये मीटियोर, ठीक है जी जा रहा हूँ। आंटी जी, आंटी जी
ये ऑर्डर है हितेश जी का, तो इसका पेमेंट देना है मंडी जी 165 रुपये। तो भाई साहब अंदर खड़ा ये शेर, और ये कौन सा है मुझे नहीं पता है, जर्मन टाइप का तो मेरे को नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। और ये शेर देखो भाई गला निकाल के देख रहा है इसको, पर वो इसको पकड़ नहीं रहा है। सबसे बड़ा समझदारी ये है, इसलिए पालतू डॉग समझदार होते हैं। ये खड़ी है एक, भाई हाथ लगाया तो कहीं काट दिया तो फिर समस्या हो जाएगी। थैंक यू आंटी जी। तो चलो भाई, सब मतलब कैसे कैसे दे रहे हैं भाई, मेरे खाते में पैसे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे 5 स्टार देते हैं, अभी मेरे को तो ऑफलाइन कर देगा जल्दी से, मैं वापस खाते के अंदर पैसे डालता हूँ। अगला ऑर्डर ले कैसे भाई, ब्लॉक कर दिया जोमेटो ने तो। तो चलो भाई यहाँ से थोड़ा डिपॉजिट करते हैं। माइनस कितना बता रहा है, माइनस बता रहा है मेरा 78 रुपये। ठीक है भाई, तो चलो मैं 78 रुपये जमा कर लेता हूँ, 100 रुपये जमा कर लेता हूँ, एंड उसके बाद फिर से अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों अभी तीसरा ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया, और रास्ते में चलते हुए एक और ऑर्डर मेरे को मिल गया, चौथा ऑर्डर है ये, और ये सरदारपुरा से मेरे को पिकअप करना है, 2 किलोमीटर का पिकअप डिस्टेंस बता रहा है। सो अभी इस ऑर्डर को करते हैं पिकअप, और मिलते हैं आप लोगों से भाई पिकअप लोकेशन पर। 33 33 हाँ रेडी कर रखा है, ले लो। हाँ 33 33 ठीक है जी। तो चलो भाई, हम मैंने अभी यहाँ से चौथा ऑर्डर ले लिया, पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ से एप्लीकेशन में से भाई कर लिया पिकअप मैंने, ये कहाँ का है, ठीक है चलो। ये लो भाई ठुक गए, भाई साहब ठुक गए, किस में गिरे भाई, ये रही मेरे हिसाब से भाई कार के अंदर गिरा है स्कूटी वाला, और यहाँ पे आ रहे हैं पुलिस वाले। भाई साहब इधर में पुलिस नाका लगा हुआ है, तो ये पुलिस वाले वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे स्कूटी वाले के अंदर जो है कार वाले गिर गया, पीछे से ठोक दिया मेरे ख्याल से, ऐसा ही लग रहा मेरे को, क्योंकि कार वाला एक दूसरी कार के पास भिड़े हुआ खड़ा है गाड़ी को। एक मिनट में बता, ये प्लॉट नंबर 80 बता रहा है, गोपी कृष्णा विहार। सुनील है मेरा नाम, जाओ थैंक यू। हाँ जी रेडी करियो, करा हुआ है, हाँ एक ट्रिपल राइस, ठीक है ओके। सो चलो गाइस, मैंने यहाँ से ये कौन सा ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भुगतान के अंदर चलते हैं, 4 ट्रिप लगा दी, ये 5वीं ट्रिप है, ठीक है ना। तो चलो इसको भी करते हैं ड्रॉप, एंड मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर। तो भाई अभी एक और ऑर्डर बज रहा है, जैसे मैंने 5वें ऑर्डर को कम्प्लीट किया ये भी बज गया। ये कहाँ से है भाई, मैकडोनल्ड से है भाई, 2 किलोमीटर का है। चलो इसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और मैकडोनल्ड से अजीत पुरोहित, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं मैकडोनल्ड, और वहाँ से ऑर्डर को करते हैं पिकअप, देन आप लोगों से मिलते हैं। ये ऑर्डर रेडी हो गया है, तो दोस्तों अभी 6ठा ऑर्डर मेरे को मिला है मैकडोनल्ड से, काफ़ी दिनों बाद भाई मैकडोनल्ड से ऑर्डर मिला है, और अभी मैं लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो चलिए भाई मैप लगाते हैं, एंड मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर मैकडोनल्ड से। वेलकम, सो गाइस अभी मैंने 6 ऑर्डर शायद कंप्लीट कर लिया है, एंड अभी भाई थोड़ा सा गाड़ी के अंदर भरवाते हैं तेल, ठीक है ना, क्योंकि यार बार बार पेट्रोल पंप पर आएगा कौन, फिर अभी यहाँ से एक बार भी भरवा लेते हैं। सो भाई ऑर्डर रेडी कर रहा क्या, और सेठ जी बात तो सही बोली यार, 711 और गार्ड साहब ये कहाँ का है भाई। सो गाइस अभी 7वां ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया, और मैप लगा लिया, और मैप के थ्रू अभी चलता है कस्टमर लोकेशन पर।
ये ऑर्डर है भाई 3.5 किलोमीटर का, तो इसको 3.5 किलोमीटर ड्रॉप करना है एंड उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अगले ऑर्डर में। सो गाइस हमेशा की तरह यहाँ पे रुकते हैं एंड यहाँ से अपना जोमेटो का बैग खोलते हैं, बैग खोल के डालते हैं गाड़ी के ठेले के अंदर एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं अर्निंग कितनी हुई हमारी एक्चुअल में तेल खर्चा निकाल के, ठीक है ना भाई। सिटी से थोड़ा बाहर आके ना इस साइड में इस खुले एरिया में आके पता चलता है कि भाई सर्दी है वास्तव में, एक्चुअल में सर्दी का एहसास होता है। अभी हाथ वाथ सब कुछ भाई जैम हो रहे हैं, इतनी ख़तरनाक सर्दी है और ये जो पैर है ना ये भी जैम हो रहा है भाई। दो पैंट पहनी हुई है भाई, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, नीचे भी पैंट पहनी हुई है एक और ऊपर जींस पहनी हुई है, देख सकते हो भाई दो दो पैंट में भाई पूरे के पूरे पैर जाम हो रहे हैं, इतनी ख़तरनाक सर्दी पड़ रही है, मतलब कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है। दिसंबर महीना है ना और जनवरी में तो और ज़्यादा हालत ख़राब होगा भाई, क्योंकि जनवरी और दिसंबर दो महीना बहुत ही ख़तरनाक सर्दी वाला होता है। तो चलो भाई बैग तो मैंने खोल दिया और अब इसके अंदर डालते हैं, चलो इसको अंदर डाल देते हैं एंड उसके बाद भाई दिखाते हैं आप लोगों को अर्निंग। तो दोस्तों अभी मैंने किलोमीटर जोड़ दिया गाड़ी का, किलोमीटर भाई कल से गाड़ी आज ज़्यादा चली है, मतलब भाई 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है गाड़ी, 80 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। 80 गुणा हम 2 कर लेते हैं, 2 रुपये के हिसाब से हमारी गाड़ी मान लेते, तो भाई 160 रुपये का हमारा जो है पेट्रोल खर्चा हो गया। अभी हम लेके चलते हैं आप लोगों को जोमेटो ऐप में, अर्निंग बताते हैं कि हमारी जो अर्निंग है वो कितनी हुई है। नेट को ऑन कर लिया मैंने, ठीक है ना, तो यहाँ पर शो होती है अर्निंग हमारी भुगतान के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए भुगतान के अंदर आ गए एंड आप लोग देख सकते हो भाई हमने कितना काम किया, 4.4 आवर्स, मतलब 4.5 घंटे के आसपास हमने काम किया है और 462 रुपये हमारी अर्निंग हुई है। तो 160 रुपये अगर 462 में से निकाल ले तो भाई हमारी अर्निंग होती है 302 रुपये, ठीक है। टोटल जो हमारी अर्निंग हुई है भाई 302 रुपये हुई है, जो कि आप लोगों के सामने है भाई लाइव प्रूफ, आप लोग देख सकते हो। 337 रुपये ऑर्डर अर्निंग हुई ऊपर 65 रुपये से एंड 125 रुपये का हमें इंसेंटिव मिला है जो थर्सडे डिनर प्लस लेट नाइट ऑफर का है, ठीक है। तो भाई ये हमारी अर्निंग है और 125 यहाँ पे रहने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये रहेगा, तो हमारी जो अर्निंग होगी भाई 300 रुपये में से 25 रुपये कम मान लें तो 275 रुपये के आसपास की हमारी अर्निंग रहने वाली है, ठीक है ना। तो लगभग 300 रुपये रहेगी क्योंकि अगर मैं 12 बजे तक काम कर लिया होता तो शायद मेरी अर्निंग जो है 300 रुपये से बाहर निकल जाती। तो चलो कोई बात नहीं भाई, जो हुई है वो आप लोगों के सामने है, जो भी अर्निंग है 250 से 300 रुपये आपकी आराम से अर्निंग हो जाती है 4 घंटे अगर काम करते हैं तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है ना। तो ये मैं जोड़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगा, 1 सप्ताह मैं काम करूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है 2 दिन हो गए मेरे को काम करते हुए, 1 दिन छोड़ के 1 दिन मैं काम करता हूँ, तो 3 दिन की अर्निंग मिला के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग एवरेज निकाल लेना कि भाई 1 सप्ते में कितना कमा सकते हो अगर 4 घंटे डेली काम करते हो तो आप जोमेटो के अंदर, ठीक है ना। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ मैं, जोड़ के दिखाऊंगा आप लोगों को एंड एवरेज अर्निंग आप लोग निकाल लेना। सो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जानकारी अच्छी लगे तो भी वीडियो को लाइक करिए, मोटिवेशन के लिए लाइक कीजिए एंड जो भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो भी जानकारी शेयर कर रहा हूँ काम के साथ साथ वो भी, उसके लिए मुझे अप्रिशिएट कीजिए यार, आप लोग थोड़ा मोटिवेट कीजिए और बेहतर जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ और बेहतर जानकारी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।